वेलकम टू जीएस हैक्स। आज का हमारा टॉपिक है मर्ज शेप फाइल्स। मल्टीपल शेप फाइल्स को किस तरह से मर्ज किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको आर्क मैप में जाना होगा। आर्क मैप में जाने के लिए आपको आर्क टूल बॉक्स को क्लिक करना होगा। आर्क टूल बॉक्स के बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। इसके अलावा नेक्स्ट आपने आर्क टूल बॉक्स में जाने के बाद डाटा मैनेजमेंट टूल बॉक्स में जाना है। वहाँ पर आपने जर्नल को क्लिक करना है। वहाँ पे आप उसको आपका जो है मर्ज टूल बॉक्स को क्लिक करना होगा। जो आपके जर्नल में जाने के बाद मर्ज का ऑप्शन आएगा, इसके लिए सबसे पहले हमें आर्क मैप में जाना होगा। आर्क मैप में जाने के लिए ये आपके पास जो आर्क टूल बॉक्स है, ये रेड कलर का मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ये रेड वाला ये आर्क टूल बॉक्स है। इस पे आपने डबल क्लिक करना है। इसमें जाने के लिए आपके आपको डाटा मैनेजमेंट टूल्स में जाना है। यहाँ आपने डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको फीचर्स में जाना होगा। फीचर्स में जाने के लिए फीचर्स में भी नहीं, फीचर्स में इसके अलावा जर्नल में जाएंगे। जर्नल में जाने के लिए आपको मर्ज का ऑप्शन ये नज़र आ रहा है, मर्ज का ऑप्शन आपको ये वाला, इसके लिए आपको इसको आपको डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के लिए आपको, अगर आपके पास मल्टीपल शेप फाइल्स पड़ी हुई है तो आप उसको ब्राउज कर लें। यह दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है, अगर मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके टेबल ऑफ कंटेंट में कोई चीज़ भी अवेलेबल ना हो, लेट्स सपोज कोई फाइल आपके पास, कोई शेप फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना हो, तो आपके पास यहाँ पे ये जगह जो है ना, यहाँ पे कोई भी इंटरफेस शो नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे अभी कोई भी आपको कोई एरो, डाउनवर्ड एरो शो नहीं हो रहा इस तरह का ना। तो पहले तो हम इसमें कोई चीज़ एंटर करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई कोई से दो या तीन मैं डाल देती हूँ, या सारे डाल देती हूँ ना इसमें शेप फाइल्स। मेरे पास कुछ पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हैं जो वन बाय वन ये आ गए हैं। अच्छा जी, ये इसको मैं एक साइड पे करती हूँ, ये शो हो रहे हैं। और मैं ये पैन वाला टूल पे क्लिक करूँगी और ये सारे मैं इसको एक ही लोकेशन दरमियान में लेके आऊँगी। इसके लिए मैं इसको जूम करूँगी ताकि ये मुझे पता चल जाए कि मेरे पास कौन कौन से हैं। बलूचिस्तान का भी है, सिंध का डिस्ट्रिक्ट भी है, इसके अलावा ये बहावलपुर भी है, ये बहावल नगर भी है, और ये केपीके का डिस्ट्रिक्ट चित्राल भी है, और ये भी केपीके का है ना। इसके अलावा ये लाहौर और इसके साथ वाले एरियाज है ना, डिस्ट्रिक्ट है ना। तो ये सारे पाकिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, हर प्रोविंस के हैं। तो ये मल्टीपल हैं, तो इसके लिए अगर आपके पास इस तरह से ये सारे जो है ना सेपरेट हैं। देखिए मैं जिसको भी अनचेक किए जा रही हूँ ना, ये सेपरेट आपको नज़र आ रहे हैं कि ये सारे ऑफ होते जा रहे हैं। अगर ये ज्वाइंट ना होते तो ये ऑफ ना होते। लेट्स सपोज कि जैसे मैं वन बाय वन सबको अनचेक करते जा रही हूँ तो ये डिसअपियर हो रहे हैं। अब मैं चेक करते जा रही हूँ तो ये शो हो गए हैं। तो इसका मतलब ये स्प्लिट है, बिल्कुल सेपरेट है। अगर हमने इनको अब मर्ज करना है, मर्ज के लिए हमारे पास ये मर्ज का टूल है। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रही थी कि अगर हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट में इस जगह पे कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो यहाँ पे कोई ऐसा डाउनवर्ड एरो नहीं शो होता। इसका एक बेनिफिट ये है कि हमें यहाँ से जो चीज़ अवेलेबल होती है हमें यहाँ पर फौरन नज़र आ जाती है। ये देखें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ से भी वन बाय वन इसको ड्रैग कर सकती हूँ, ऑन कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे टाइम भी लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा दूसरी बात ये है, अगर मेरे पास एक जैसे जो है कोई मल्टीपल शेप फाइल्स में से एक जैसी नाम की आ गई है तो मैं क्या करूँगी, इसको क्लिक करूँगी और इसको मैं क्रॉस कर दूँगी, मतलब मैं इसको ख़त्म करना चाह रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं चाहूँ कि ये वाला जो है ना अटक, ये मैं टॉप पे लेके आना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं ये करूँगी, अटक को क्लिक करूँगी और ये जो एरो है ना अपवर्ड की तरफ, तो इसको क्लिक करूँगी तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये टॉप पे आ गया।
इस तरह से अगर मैं एबटाबाद को क्लिक करके इसको मैं नीचे लेके आना चाहूँ इसको सबसे लास्ट में, तो मैं इसको डाउनवर्ड पे क्लिक करूँगी। आप देख सकते हैं ये डाउन पे आ गया है। इस तरह से अगर मैं इसको क्रॉस करना चाहूँ कि इसको मैं डबल करना चाहूँ तो मैं इस पर प्लस का साइन करूँगी। इसके अलावा अगर मैं इसको क्रॉस करना चाहूँ तो ये मैं क्रॉस कर सकती हूँ। अगर सेम एक जैसे हैं, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो मुझे ये नहीं चाहिए और ये चाहिए। अब देख सकते हैं क्योंकि सेम थे तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन भी आ गया था। वो कह रहे थे कि यहाँ पे कोई एरर है क्योंकि एक जैसी मल्टीपल आ गई है। तो इसका यही ये है कि हमें मशीन जो होती है कंप्यूटर में कोई गलती नहीं होती, इंसान ही गलतियां करते हैं। मशीन में जो भी फॉल्ट होता है मशीन सब कुछ बता देती है कि आपका यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो आप इसको रिजॉल्व करें। तो यही फायदा है, यही डिफरेंस है इंसान में और मशीन में कि मशीन कोई गलती नहीं करती, गलती इंसान ही करते हैं। हम मशीन में जो भी हम इंसानों की वजह से मशीन में कोई भी गलती आएगी तो वो हमें बता देगी। अच्छा, अब हम मैं इसको क्रॉस करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह से मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, वन बाय वन इसको लेके आने के बजाय मैं इसको ब्राउज करना चाहूंगी। ब्राउज करने के लिए मैं इसको सबसे पहले फर्स्ट वाले डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करूंगी, देन प्रेस करूंगी शिफ्ट को। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद मैं नेक्स्ट लास्ट वाले पे आऊंगी और सबको ऐड कर दूंगी। सारे ऐड हो गए मेरे पास। इस तरह से मैं इसको अब ब्राउज करके लोकेशन दूंगी, आउटपुट लोकेशन। ये मैं आउटपुट लोकेशन देना चाहूंगी कि मैं किस तरह से इसको कहाँ पे सेव करना चाह रही हूँ ताकि मेरा डाटा जो है सेफ रहे। इसके अलावा मैं इसको ब्राउज करूंगी। ब्राउज करने के लिए मैं इसको कोई मैप के फोल्डर में यहाँ पे लेके जा रही हूँ। यहाँ पे लिख रही हूँ मर्ज .img। .img मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एक्सटेंशन है .img या .tiff, ये जो होती हैं GIS आर्क मैप की एक्सटेंशन होती है जो इसके प्रोसेस को फास्ट करती है। तो मैं इसको IMG ही करती होती हूँ ताकि मेरा प्रोसेस का फास्ट रहे। ओके देन आपने दूसरे वाले टूल्स को नहीं छेड़ना, फील्ड मैप को कुछ नहीं छेड़ना, ये ऑप्शनल है, इसको आप कुछ भी नहीं करना और लास्ट भी इसमें कुछ नहीं करना। देन क्लिक ओके। तो ये हमारा प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि नीचे मर्ज मर्ज का ऑप्शन आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम तो लेगा लेकिन ये प्रोसेस हो गया। आप देख सकते हैं कि ये एक अलग से फाइल बन के आ गई है मर्ज की, ये वाली फाइल बन के आ गई है और सबका कलर भी सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फाइल हमारी बन के आ गई है। हम इसको कलर भी अगर देना चाहें तो इसको अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं रेड देना चाहूंगी तो ये रेड हो गया। इसका मतलब ये है कि ये कंबाइन हो गई है। अब मैं इसका कलर चेंज करूंगी क्योंकि ये कंबाइन है तो ये जो है इसका कलर भी साथ चेंज होगा। और ये जो बाकी फाइल्स हैं क्योंकि ये डिफरेंट हैं तो इनके कलर भी डिफरेंट हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारी डिफरेंट है। तो आज ये जो था हमारा फर्स्ट मेथड था एंड सेकंड मेथड, मैं आपको ये बताती हूँ, इसको मैं अनचेक करती हूँ। सेकंड मेथड मेरा मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपने इस तरह से नहीं करना ये वाला प्रोसेस जो मैंने अभी किया है, तो दूसरा हमारे प्रोसेस ये है। टूल बॉक्स में नहीं जाना आपने, तो सेकंड ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि आप ये देखें कि आपके पास ये एक मर्ज का ऑप्शन है ना, ये वाला अभी डिसअपियर है। जैसे मैं आग एडिटर को ऑन करूंगी ये स्टार्ट हो जाएगा। एडिटर को ऑन कर दिया, ओके कर दिया, ये देखें ये एरो जो है आपको ब्लैक शो हो रहा है यहाँ पे जो मैं ये राउंड राउंड घुमा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एडिटर भी ऑन हो गया। अच्छा, अब मुझे मैं चाहती हूँ कि मैं इनको कुछ डिस्ट्रिक्ट को मैं यहाँ पे कुछ शेप फाइल्स को यहाँ पे मर्ज करूँ। तो मैं फर्स्ट इसको क्लिक करती हूँ, देन प्रेस शिफ्ट बहावलपुर को और देन बलूचिस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट को एंड ये चित्राल केपीके का, इनको तीनों इन तीन या चार को मैं अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाह रही हूँ। दूसरा हमारा ऑप्शन मतलब दूसरा हमारा एक शॉर्टकट है, इनको मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया।
देन मैंने इस पे आई। अब पहले आपने देखा था कि यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन जो था डिसअपियर था, अब क्योंकि यहाँ पे वो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, अब ये इनेबल हो गया। पहले डिसेबल था, अब इनेबल हो गया। अब ये मर्ज पे मैं क्लिक करूँगी तो ये कह रहा है कि सेम है ना, तो ओके। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है आपका, अगर आप इन सब को ऐसे क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गई, करने के बाद आप यहाँ पे आके इस मर्ज पे भी चले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मर्ज करने के बाद आप इसे, ये दूसरा तरीका भी आपके पास है। चलें जी, आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट भी कीजिएगा और आप इसको लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें जस्ट डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं और शॉर्टकट्स नहीं बताए जाते कि किस तरह से मर्ज किया जा सकता है। तो इन्हीं चीज़ों, छोटी छोटी जो बातें होती हैं अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो मैपिंग में थोड़ा मिस्टेक करते हैं, या तो इनको स्प्लिट करना नहीं आता, या तो इनको मर्ज करना नहीं आता, या इनको क्लिप करना नहीं आता। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में क्लिप करना भी बताया था, अभी आज की वीडियो में मर्ज करना बताया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।